जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज डिस्कस करेंगे कि XNX का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है और कैसे आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन हो सकते हैं। आप चाहते हैं डेमो अकाउंट क्रिएट करना या आप चाहते हैं रियल अकाउंट क्रिएट करना, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत कारामद होने जा रही है। सिंपल, आप लोगों ने मेरी कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठा लेनी और इसके नीचे जाके आप लोगों को नीचे ये ज्वाइन XNX का यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे भी ये होगा, मैं इसको टॉप पे डलवा दूंगा और आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप इसके ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर आएंगे। वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं नेक्स्ट टाइम में मैंने ओपन की हुई ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आएंगे, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हैं चाहे आप कर रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप से। आपने जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ये आपको लेके जाएगा एक नेक्स्ट मेन्यू के अंदर, जहाँ पे शो करवाएगा कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपने नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन उसके लिए आएगा। मैं यहाँ पे दोबारा से इसको अपडेट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। तो अब पैराडॉन ये इंटरप्शन आ रही, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ना ये इस तरह की वेबसाइट के ऊपर ले आएगा मोबाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीज़ें, एक क्रिएट अकाउंट है, दूसरा क्या साइन इन है। तो हमने किस पे चलना है, हमने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है आपका कंट्री कौन सा है। हमारा कंट्री पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे जस्ट PAK लिखूंगा, मेरे पास ये पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जीमेल करनी है नीचे। अब यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड आपका कुछ ऐसे होना चाहिए ABCD, ठीक है। मैं ये आपको लगा के दिखा रहा हूँ, 123 और यहाँ पे @ या हैश आप डाल दें, आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। ये देख लें इस तरह, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, ये आपका कुछ इस तरह से पासवर्ड बन जाएगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, ये आपका ABCD, ठीक है, इस तरह कुछ भी और 123 आप डाल के उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे जीमेल फिल आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं भी कंटिन्यू पे ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने अपना ये फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरी जीमेल हाइड हो चुकी होगी क्योंकि मैं जो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसकी जीमेल और पासवर्ड आपको शो में भी ना करवाऊँ। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा इसको प्रॉपर, और आप जब जीमेल पासवर्ड और पाकिस्तान फिल आउट कर लेंगे आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। मैं जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, मेरा अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, आप नहीं चाहते इसको सेव करना तो आप यहाँ से कट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल कट कर रहा हूँ, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने अपनी जो है जीमेल यहाँ पे किसी को भी शो नहीं करा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, एक आगे रियल का, एक आगे डेमो का, ठीक है। आप रियल को ओपन करना चाहते हैं आप रियल को ओपन करें, डेमो को ओपन करना चाहते हैं डेमो को। मैं यहाँ पे डेमो पे और मैं रियल अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। डेमो चाहते हैं आप डेमो भी ओपन कर सकते हैं, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स, देन गो टू नेक्स्ट विंडो। तो यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट विंडो हमारे पास लोड होकर आती है तो हम अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे। अब ये क्या था, आप लोगों ने जस्ट अभी अकाउंट क्रिएट किए, अभी वेरीफाई नहीं किया। जब हम वेरीफाई पे जाएंगे ना, इसके तीन फेजेस होते हैं जिसमें आपको अक्सर मुश्किलात आ रही होती है, तो वो मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, डिपॉजिट का ऑप्शन दे दिया, ये देखें यहाँ पे अकाउंट आपका बन के आ गया, इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमने अकाउंट को करना है वेरीफाई, क्योंकि यहाँ पे देखें डिपॉजिट का कोई भी ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। जब तक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगी आपके ऑप्शन ऐसे अवेलेबल नहीं होंगे। ये यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी नज़र आ रही होगी कि जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप अपने मोबाइल्स पे अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, या इस बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पे ले जाएंगे। आपने कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे डिमांड की जाएंगी कि आपकी जो जीमेल है इसके ऊपर आपको कन्फर्मेशन मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे, जीमेल पे आपके मैसेज आएगा, आपने उठा के यहाँ पे लिख देना है, मैं जीमेल का मैसेज यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने ये क्लिक कर दिया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेके चलूँगा आपको। अब मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, कंफर्म फ़ोन पे क्लिक करूँगा, ये मुझे SMS भेजेंगे, मैंने वो कर देना। मैं यहाँ पे जल्दी से फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरी ये डिटेल आपको शो नहीं हो रही होगी, आपने यहाँ पे नंबर लिख लेना है, आप कोई भी नंबर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने SMS पे करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फिर एक कोड दोबारा से जाएगा, तो वो आपके नंबर पे होगा, आपने नंबर पे कोड देखना है, उस कोड को यहाँ पे फिल आउट कर देना, चाहे मोबाइल से करें चाहे लैपटॉप से करें, सेम प्रोसीजर है। तो मैं यहाँ पे अपना कोड लिख देता हूँ, मेरा जो कोड है 346233, ये बताने से कोई फ़र्क नहीं क्योंकि वन टाइम कोड होता है। ऊपर नंबर मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा, आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा होगा।
इसके बाद अब यहाँ पे देखना ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। अब आपने कंप्लीट नाउ पे क्लिक करना है, कंप्लीट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपका फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और आपके रेजिडेंस, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपने ये चीज़ें यहाँ पे मैंशन करनी है। तो यहाँ पे आपको जो भी नेम है आप उसको लिख दें, लास्ट नेम जो भी है आप उसको लिखें, उसके बाद योर रेजिडेंस एड्रेस आपका जिस पे आप रहते हैं, जो आपके आईडी कार्ड पे, आपने आईडी कार्ड वाला डाटा यहाँ पे फिल आउट करना है और यहाँ पे आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी आपने फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं जल्दी से इसको फिल आउट कर देता हूँ। अच्छा, मेरी यहाँ पे आपको ये डिटेल जो होगी हाइड नजर आ रही होगी, मैंने यहाँ पे नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये लिख के मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ओपनिंग अकाउंट, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोलना है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड कर देना, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं करेगा, ठीक है। हमने सेविंग करनी है, सेविंग के बाद हम सेविंग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, 0 से $20,000 आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर 0 से $20,000 आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके, तो 0 से $20,000 यस। और यहाँ पे अब कौन सा करना है, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड पे आपने क्लिक करना है, इसके अलावा आप किसी पे क्लिक नहीं कीजिएगा। 0 to $5,000 है। और उसके बाद देखें व्हाट इज़ यूर सी एफ डी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विद रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट्स लास्ट 3 ईयर। आपने यहाँ पे अगर आपके है तो ठीक है बोल दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई मसलन 40 to 10 100 आप जितना यहाँ पे करना चाहे, ठीक है। यहाँ पे अब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है इस वक्त, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुई। आप दोबारा से कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अब ये देखें यहाँ पे आपसे ना अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मांगेगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक अपलोड कर देनी है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। दोबारा आपसे रेजिडेंस के मांगेगा, रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हैं तो वो जब मांगे तो आपने वहाँ पे भी यहाँ पे देखा आईडी कार्ड पे सिलेक्ट करके आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी, यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे बैक और सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना। आपकी विद इन 10 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपके वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो सेकंड फेज़ है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि आपको अगर रेजिडेंस मांगेगा तो रेजिडेंस पे भी आपने क्लिक करके वो भी वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वेरीफाई हम बाद में करेंगे, ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है जिसमें आप परेशान हो सकें। तो अभी नेक्स्ट मैं लेके चलूँगा आपको डेमो अकाउंट्स के ऊपर, या वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर लेंगे। अभी तक था इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडेंटिटी बनानी, वेरीफाई करनी, अकाउंट क्रिएट करने का मेथड आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, डेमो अकाउंट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और रियल अकाउंट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक्सपर्ट बन सके ट्रेडिंग में, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। अगर आप लोग सिग्नल्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर और डिफरेंट इंस्टाग्राम, इन तमाम जगह फॉलो अप कर लीजिएगा। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज़।